तो व्हाट्सअप तो कैसे आप सब तो बाइक निकालते हैं और आज एक मोडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए ठीक है ना तो सबसे सब पहले तो बाइक निकालते तीन चार मंथ हो गए बाइक को पड़े पड़े ये बाइक तो इसको तीन चार मंथ हो गए देख सकते हो दिवाली के दिन माला वाला भी पर ड्राई फ्रूट इसको हटा लेते हैं एक बार उनको भी हटा लेते हैं तो, है तो भी चलेगा कहलावा को भी निकाल लेते हैं ठीक है ये सीट कवर एक्टिवा ठीक है अब इस बाइक को ले लेते हैं बाहर अब मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि दो तीन महीने हो गए और अभी स्टार्ट करने का मन नहीं है इसे ठीक है ना तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में और आपके एक सब्सक्राइब से यार बाइक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो चालू करता है तो आज बात करेंगे मोडिफिकेशन के बारे में कि मोडिफिकेशन के अंदर तुम्हें ये गलती नहीं करनी है तो सबसे बड़ी गलती मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर में तीन से चार ही गलती है पर तुम्हें यह नहीं करनी है तो सबसे पहली गलती बता देता हूँ नंबर प्लेट वाली तो जैसे कि तुम्हें पता है मैंने नंबर प्लेट डलवाई थी तुम्हें सब ने वीडियो देख रखी है तो उस नंबर प्लेट का मुझे खर्चा आया आठ सौ रुपये जिसके अंदर एक बार तो टूट भी गई थी उसको मैंने वापस रिपेयर भी कराया था उसका सौ से डेढ़ सौ रुपये खर्चा आया था ठीक है ना तो इसके अंदर सिंपल था तुम्हें नंबर प्लेट मैग्नेटी वाली डलवानी है जो कि मैंने है ना व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके तुम देख सकते हो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है ठीक है ना दूसरा इसके अंदर तुम्हें है ना इंडिकेटर इंडिकेटर तुम्हें आफ्टर मार्केट नहीं खरीदने ऑनलाइन ही खरीदने हैं जो कि तीन से चार के अंदर चारों आ जाते हैं पर मैं आफ्टर मार्केट खरीदोगे तो दो या तीन का दो ही आएंगे ठीक है अब सेकेंडली बात कर लेते हैं इसके अंदर कि नंबर प्लेट के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डलवानी ठीक है ना नंबर प्लेट तो फैस बात है लोग मैग्नेटिव वाली आती है व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके देख लो ढाई सौ तीन सौ रुपए की आती है या चार सौ रुपये की पर मैंने दो डलवाई वो आठ सौ रुपये की थी और वो टूट भी गई थी तो पापा उसको डेढ़ सौ रुपये करवा के वो टूटा इसलिए था क्योंकि वो बार बार टायर के टच होती थी वो टायर के टच होने की वजह से वो टूट जाती थी समझ गए तुम सकते हो वो सात सौ रुपये की नंबर प्लेट की वजह से देख सकते हो मेरा मरकार पूरा टूट चुका है जबकि मैंने इसको सेट करने के लिए यहाँ से पूरा कटवाया था तो मेरे को बहुत मोटा खर्चा हो गया क्योंकि ये भी यानी चार सौ से पाँच सौ रुपये का आता है तो इसका भी मुझे खर्चा उठाना पड़ा तो ये गलती तुम मत करना ठीक है ना और ये नंबर प्लेट बिल्कुल भी मत डलवाना जो मैंने बताई है अब तुम्हें ना खाली मैग्नेटी वाली डलवानी है ठीक है इस बात का ध्यान रखना वरना तुम्हारे भी यहाँ से टूट सकता है और हो सके तो यहाँ लोहे का लगा देना बनवा के तो उसके अंदर सबसे बड़ा मेजरमेंट ये था कि वो टायर के टच होती थी और एक मतलब कि अलग अलग, अलग गाड़ी के अलग अलग शोकर होते हैं तो एक जैसा नाप नहीं आता है ठीक है ना पर है ना मैग्नेटी वाली में ये होता है कि वो ऊपर चिपक जाती है जिसकी वजह से वो नीचे टच नहीं होती है तो तुम मैग्नेटी वाली खरीदना ठीक है तो मैग्नेटिव वाली व्यू प्रोडक्ट में देख लो और सेकंड बात मैंने बताई थी तुम्हें इंडिकेटर इंडिकेटर तुम ऑनलाइन से खरीदा करो क्योंकि ऑनलाइन में सस्ते मिलते हैं ऑफलाइन बहुत महंगे मिलते हैं ठीक है ना अब तीसरी बात कर लेते हैं मरगाट की मरगाट तुम सबको पता है मैंने डलवाया था ये देख सकते हो तुम तो ये मेरे को पड़ा था लगभग नौ सौ रुपये का मार्केट में और ग्यारह सौ रुपये का ऑनलाइन था ठीक है ना पर तुम्हें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं डलवाना ना तुम्हें ऑनलाइन खरीदना है ना तुम्हें कैसे तुम्हें क्या करना है लोहे वाले के पास जाना जो कि गेट वेट बनाते हैं लोहे के जो भी लोहे का काम करते हो उनको जाकर एक मेजरमेंट दे देना है कि इससे बड़ा नहीं बनाना है। ये हाथ के हथेली ना इससे बड़ा नहीं बनाना और तुम्हें ऐसा मेजरमेंट करके बना देना है जैसे कि मैं तुम्हें एक उदाहरण के लिए एक फ़ोटो बता देता हूँ इस फोटो के जैसे तुम्हें बनवाना है ठीक है ना तो तुम्हारा बन जाएगा ठीक है गली में वीडियो बनाऊंगा तो ऐसी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि घर के बाहर गाड़ी आती जाती रहती है तो तुम डोंट वरी लोड मत लेना ठीक है अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोडक्ट की जैसे तीसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर मैं मैं बता देता हूँ मरकार तुम्हें नहीं डलवाना है तुम्हें ये फोटो है ऐसा बनवा देना है लोहे वाले से वो बना देगा एक मेजरमेंट दे कि ऐसे दाँत रखने हैं वो उसकी भी मैं एक सैप्लीगेंट्री वीडियो बनाऊंगा मतलब पूरी जो वो शान भाई बनवा देंगे मरगाट तो फिर तुम्हें उसकी भी एक वीडियो बना के डालूंगा कि ये मरकार कैसे बनवाना है ठीक है ना अब तीसरी बात कर लेते हैं तुम्हें मीटर की मीटर तुम्हें सबको पता है कि मीटर है ना ओरिजिनल वाला जितना एक्यूरेसी देता है उतना है ना डिजिटल मीटर नहीं देता है एक्यूरेसी क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो पाइप नली है ये नली तो इसके अंदर मतलब कि वायर है जो कि मीटर तक वो रीडिंग पहुंचाता है टायर की घूमने की कितनी स्पीड हो रही है ठीक है ना तो वो सही से नहीं पहुंचाता पहुँचाता तुम्हें खरीदना है अठारह सौ रुपये या सतरह सौ रुपये का अच्छा सा मीटर आ जाएगा ग्यारह सौ हज़ार रुपये का देखोगे तो उसके अंदर सही मेजरमेंट नहीं आएगा वो मीटर लगेगा तुम्हारी डिस्क में और डिस्क की वजह से वो अच्छे से मेजरमेंट कर पाएगा कि है ना कितनी स्पीड से गाड़ी चल गई और कितने किलोमीटर चल चुकी है ठीक है और थर्ड बात कर लेते हैं अब फोर्थ तो हो गई ये बात ठीक है अब बात कर लेते हैं वायरिंग का वायरिंग तुम्हें मॉडिफिकेशन में वायरिंग का सबसे मेन ध्यान रखना है कितनी ही गाड़ियाँ जल चुकी है तुम देख सकते हो फोटो में इतनी सारी गाड़ियाँ जल चुकी है क्योंकि एक वायर वायर ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी में आग लगती है और पेट्रोल में आग लग जाती है ठीक है तो वायर का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है ना क्योंकि वायर का ध्यान रखोगे तो अच्छे से मॉडिफिकेशन होगी वरना नहीं हो पाएगी वरना होगी भी है तो एक दो दिन में जल जाएगी ठीक है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना अब बात कर लेते हैं हेडलैम्प की तो तुम्हें हेडलैप कहाँ से खरीदना है तुम्हें व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करना है वहाँ पर मैंने हेडलैम दे रखा है तेरह से, से चौदह सौ का पड़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और आफ्टर मार्केट बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें और है ना मैंने जो लगाया है आफ्टर मार्केट तेरह सौ रुपये का उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है एलईडी लाइट भी इतनी नहीं है जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा फोकलैम लगाना पड़े ठीक है ना तो ये सभी तुम्हें बात ध्यान रखनी है ठीक है ना हेड हेडलैम्प आफ्टर मार्केट से नहीं खरीदना है तुम्हें ऑनलाइन ही खरीदना है व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके तुम देख सकते हो ठीक है अब ये इस आज का टॉपिक यही खत्म होता है ठीक है ना पांच मिस्टेक है तो मैंने बता दी तुम्हें मॉडिफिकेशन की पांच मिस्टेक और बुला के बताऊंगा मैं तुम्हें अभी है मेरे पास बना अभी नहीं बताऊंगा एक ही वीडियो में बता दूंगा तो तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा तो अगली वीडियो में इसके पार्ट टू आएगा जिसके अंदर बताऊंगा पांच मिस्टेक और मॉडिफिकेशन की ठीक है तो अभी तो के लिए वीडियो पसंद आया लाइक और वीडियो वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और चैनल फैनल सब्सक्राइब करो यार एक ही तो सब्सक्राइब चाहिए तो कर दो फटाफट सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय